में अध्याय का चैप्टर 2.2 चैप्टर का नाम है एकजनवादी समीकरण। सवाल नंबर 10-9 राहुल व हारून की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 56 वर्ष हो जाता है। तो देखा यहाँ पर अनुपात क्या रखा है, अलग अलग करने के लिए 7x लिख देंगे, तो 5x और 7x। फिर कह रहा है वह 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, इसमें भी प्लस 4 कर देंगे और इसमें भी प्लस 4 कर देंगे, क्योंकि मान का पूछा है। अगर पहले का उत्तर वही होता 5 और 7 लिखते हो गए 12, 4 और 4 लिखते हो गए 8, इसको पीछे लेकर माइंड में लेंगे हम जो कि 48। 12 का भाग दिया कितनी बार रहेगा 4 का, एक्स का मान 4 आ गया और एक्स का मान 4 पर काम करेंगे दोनों कर देंगे। तो राहुल की वर्तमान आयु 5×40 वर्ष हो गई, हारून की वर्तमान आयु 7×4 हो जाएगी, 7×6 है 28 हो गए। इसी प्रकार सवाल नंबर 10 है, एक कक्षा में बालक और बालिकाओं का अनुपात है 7:5, बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात है 7:5, फिर बालकों की संख्या बालिकाओं से 8 अधिक है। तो मैं पहले यहाँ पर अनुपात जो है इसको अलग अलग बांटूंगा, तो ये हो जाएगा 7x और ये हो जाएगा 5x। बालक बालिकाओं से 8 अधिक है, यानी बालक बालिकाओं से 8 अधिक है, तो ये बालक हो गए और ये बालिका है, 8 अधिक है तो प्लस 8 कर दिया। अगर मान लो कम होता तो मैं यहाँ पर माइनस करता, तो ये 8 अधिक है तो प्लस कर दिया, इसको आगे लेंगे तो माइनस में जाएगा, यहाँ बता देंगे ये क्या आएगा 2x, 2 का भाग 8 कर देंगे 4 बार, तो बालकों की संख्या 7×4 है तो ये, और बालिकाओं की संख्या 5×4 है कि 20 हो जाएगी। हमसे पूछा है दोनों का योग, तो यहाँ पर दोनों को जोड़ देंगे, दोनों का योग आएगा 48, ठीक है ना। तो ये हो गए आपके दो सवाल, एक तो बालक बालिका यानी कि 10वां सवाल है और एक 9वां सवाल राहुल और हारून की वर्तमान आयु। तो बच्चों इसी प्रकार अगले सवाल करना आप बाकी के, यानी कि 100 नंबर के लिए आप ठीक है। तो बाकी बचे हैं 2, वो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा, ठीक, ओके। चलो समझ लो, एक और समझ लो, लिखा है 22 छोटे हैं और उससे 21 वर्ष बड़े हैं, 22 के पिताजी दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं, तीनों की आयु का योग का योग दे रखा है 135 वर्ष, ठीक है, तीनों की आयु का योग दे रखा है 135 वर्ष। तो पहले लिखना मैं यहाँ पर सवाल नंबर है ये 12वां, माना कि 22 की आयु 1 वर्ष है और वो कह रहा है 22 के पिताजी दादाजी से छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं,
पिताजी की वर्तमान आयु हो जाएगी x प्लस 29 और दादाजी की हो जाएगी वर्तमान आयु। देखो पिताजी दादाजी से 36 वर्ष छोटे हैं यानी दादाजी 36 वर्ष बड़े हैं, एक्स प्लस 29 प्लस 26 इसका जाएगा एक्स प्लस 55 यानी कि दादाजी की आयु आ गई। अब तीनों का योग रखा है 135 तो मैं लिखूंगा एक्स प्लस 29 और एक्स प्लस 55 बराबर 135। तीन एक्स दोनों को जोड़ लेंगे 14 का 4 हाथ से 84 135 उनको जोड़ा 84 आ जाएगा। पीछे लेंगे 135 में से घटा 84 एक 13 में से 805 एक से बराबर आ गया 51/3 ये कटेगा 17 बार। यह देखो आप इसकी आगे 17 बाई चूंकि आयु बराबर 17 वर्ष और पिताजी की आ गई 17 प्लस 26 46 वर्ष और दादाजी की आ गई 17 प्लस 55 ये मैंने तीनों की आयु याद कर ली। ठीक है ना, अब बाकी सवाल अगले उसमें करेंगे।